हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश केटी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ये जो 9 वोल्ट बैटरी को रिचार्ज करके दिखाऊंगा। ये जो वीडियो होने वाला रियल वीडियो होने वाला है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। इसमें ये जो बैटरी को मैं चार्ज करके दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, ये जो बैटरी आपको चार्ज करके भी दिखाऊंगा और चेक करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा मेरे पास है 9 वोल्ट की बैटरी है, जो कि लोग बोलते हैं ये जो चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों लिया हूँ, जो कि हमारा डिस्चार्ज हो चुका है, ये हमारा वोल्टेज कम हो चुका है। तो आपको मैं वोल्टेज चेक करके भी दिखाऊंगा कितना वोल्टेज अभी इस बैटरी में है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर ले लिया हूँ, आपके सामने डिजिट शो होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों फ्लक्स को देख सकते हैं, हमारे वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कि 3 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि हमारा जो डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट वाला को भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारा ये जो बैटरी था, यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट दिखा रहा है। और ये जो बैटरी है डबल बैटरी है, जो 9 वोल्ट का आपको देखा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है, तो कितने जगह पर बोलते रहते हैं। तो इसको मैं आज इस वीडियो में मैं बताना क्या वाला है, जो कि ये 9 वोल्ट की बैटरी हमारा चार्ज हो सकता है। यहाँ पे लगा दिया हूँ, देख सकते हैं हमारा जो कि ये 2 वोल्ट दिखा रहा है, 3 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, 3 वोल्ट नहीं है, कम्प्लीटली दिखा नहीं रहा है 2 वोल्ट के। तो ठीक है, यहाँ पर फिर मैं एक चार्ज करने के लिए इस 9 वोल्ट बैटरी को मैं एक 12 वोल्ट का अडाप्टर ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अडाप्टर मैं ले लिया हूँ, जो कि 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसको यहाँ से हम इस बैटरी को चार्ज करके दिखाएंगे। ये जो हमारा जो अडाप्टर है, ये जो 12 वोल्ट का 3 एम्पेयर का अडाप्टर है, जो कि मैंने बनाया था, इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं पावर दे देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं पावर दे दिया हूँ। तो हमारा ये जो LED ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे जब मैं स्विच ऑन करूँगा, तो हमारा ये जो रेड LED ग्लो करने लगेगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कि ये अडाप्टर ऑन हो चुका है। इसका भी मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ, कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट कर रहा है, देख सकते हैं हमारा जो कि 17 वोल्ट 18 वोल्ट तक दिखा रहा है। यहाँ पे 200 में सेट करेंगे तो आपको क्लियर से आपको पता लग जाएगा कि हमारा कितना वोल्ट आ रहा है। देख सकते हैं हमारे ये जो अडाप्टर से 18 वोल्ट निकल रहा है, और 24 वोल्ट में हम सेट करेंगे तो आपको 24 वोल्ट मिल जाता है। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 24 वोल्ट दिखा रहा है। ये जो हमारे जो 12 वोल्ट इस साइड में है, इसको हम ये जो बैटरी को इसमें कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके फिर इसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये हमारा जो पावर जो इसमें दो वोल्ट था, 2 वोल्ट, ये 9 वोल्ट हुआ कि नहीं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा रेड वाला प्लस वाला है ये, और ये माइनस वाला जो कि माइनस में, तो आप दोनों को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम कनेक्ट कर दिए हैं। थोड़ा यहाँ पर हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको मैं वोल्टेज चेक करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे लगा देने के बाद यहाँ पे हम लगा दिया है, तो अभी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 20 वोल्ट में, और अभी चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कि 9 वोल्ट दिखा रहा है, हमारा कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है हमारा ये जो कि 9 वोल्ट का बैटरी। देख सकते हैं ये जो बैटरी चार्ज
ये जो बैटरी हमारा चार्ज हो सकता है, और ये जो हमारा चार्ज हो चुका है इसमें कोई भी फेक नहीं है दोस्तों, ये वीडियो रियल वीडियो है, इसमें पूरा जानकारी दे दिया हूँ, तो देख सकते हैं आपके लाइव है आपके सामने कितना वोल्ट था पहले और कितना वोल्ट अभी हुआ है, देख सकते हैं लाइव है पूरा। तो अभी जो कि ये वाला ये जो बैटरी है आप देख सकते हैं, इसमें जो मैं पहले दिखाया था 3 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसको भी हम चार्ज करेंगे, चार्ज करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें LED भी ग्लो करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो चार्ज किया हूँ इसमें एक LED लूँगा लेकर आपको ग्लो करके भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं एक LED ले लिया हूँ जो कि 5 mm का जो कि LED रेड LED है, इसको हम ग्लो करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि LED ग्लो कर रहा है। आपको मैं एक मोटर भी चला कर दिखाऊँगा, देख सकते हैं हमारा जो कि ग्लो कर रहा है इस LED, जो कि पहले जो एम्पियर था यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है जो एम्पियर हमारा, जो कि पहले जो ये 9 वोल्ट का है, और इतना ही वोल्ट आपको मैं प्रोड्यूस करके भी दिखाया हूँ, जो कि ये जो अडाप्टर में चार्ज करके दिखाया कितना वोल्ट पहले था और बाद में कितना वोल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कि रेड LED ग्लो भी कर रहा है। फिर यहाँ पर मैं एक मोटर ले लिया हूँ जो कि 5 वोल्ट का मोटर है, इसको मैं यहाँ पर रन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दोनों वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कि मोटर अच्छे से रन भी कर रहा है। मैं पहले से बोल दिया था कि हमारा जो कि ये 9 वोल्ट बैटरी है अच्छे से, ये जो हमारा मल्टीमीटर है यहाँ पर भी आप अच्छे से वॉक कर सकता है। यहाँ पर जो ये मल्टीमीटर है, ये जो हमारा जो 9 वोल्ट का बैटरी इसमें डालेंगे तो यह हमारा अच्छे से वॉक भी करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इसको मैं चार्ज करके भी दिखाऊंगा अभी हमारा कितना वोल्ट है इस मल्टीमीटर में, तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, देख सकते हैं हमारा जो कि 7 वोल्ट दिखा रहा है, 9 वोल्ट था हमारा, थोड़ा वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है दोस्तों। 9 वोल्ट दिखा रहा था अभी 7 वोल्ट 30 जो दिखा रहा है अभी वोल्टेज हमारे इस बैटरी का जो कि 7.30 वोल्ट दिखा रहा है अभी इस वीडियो इसमें अभी, ठीक है दोस्तों। और ये तो आपको दिखा दिया हूँ कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों इसका मैं चार्ज करके दिखाया कि आप कैसे इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा कर और में क्लिक करें, कभी भी मैं कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पहले ही पता लग जाए।